बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे में खसारे से मुतालिक केस की समाअत हुई है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रेलवे में खसारे से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालत ने ये बताया कि किधर है ख्वाजा साद रफीक, तो अदालत को ये बताया गया कि ख्वाजा साद रफीक तो उनकी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वो खत्म हो चुकी है, अब नई हुकूमत आ चुकी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो इस मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हुकूमतों से कुछ लेना देना नहीं, जिनके दौर में हसारा हुआ उनसे जवाब तलब करेंगे। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में तलब कर लिया है और ये भी रिमार्क दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि जिस तरह की जो फोरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है उससे तो ये नजर आ रहा है कि केस नैब का केस बनता है और क्यों ना इस केस को भी नैब को भेजा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ख्वाजा साद रफीक पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें, अगर वो अदालत को मुतमिन कर पाए तो उनका केस नैब को नहीं भेजा जाएगा और अगर वो इस फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट से मुतल्लिक अदालत को मुतमिन ना कर पाए तो फिर उनका केस नैब को भिजवा दिया जाएगा।